विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक को रविवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। टीएमसी ने प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया ब्लॉक को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद विपक्षी दलों के नेताओं से आगे आकर साथ चलने की बातें कह रही थीं। आइए जानते हैं ममता बनर्जी ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों टूट गया गठबंधन। लेकिन इससे पहले आप आज तक एआई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूटने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन न हो पाने के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी है, क्योंकि अधीर रंजन पिछले साल 2023 से लगातार ममता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि ममता अधीर के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए अधीर को हराने के लिए पार्टी के सबसे कद्दावर चेहरे को मैदान में उतारा है। टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। दरअसल ममता बनर्जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कांग्रेस नेतृत्व पर उनके सुझाव और प्रस्ताव अस्वीकार करने के आरोप लगाए और इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जानकारों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो उस वक्त ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त ममता ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। शिष्टाचार के नाते भी उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने ममता के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और बताया था कि ममता बनर्जी सहित इंडिया ब्लॉक के सभी साथी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये महिला राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेता बनी। वो कितनी बेईमान है, कितनी अहंकारी है कि जिन लोगों ने उसे राजनीति में खड़ा किया वो उन लोगों को अहंकार दिखाती है। दिसंबर 2023 में हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को देश भर में करीब 300 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला हो, बाकी की बची हुई सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। कई जानकारों का कहना ये भी है कि गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर अब तक इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। ममता बनर्जी ने बीते दिनों मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, मुझे संदेह है कि अगर कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो क्या वो 40 सीटें भी जीत पाएंगे? आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप राजस्थान में भी चुनाव नहीं जीते, हिम्मत है तो वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।